नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीज़ों को लेकर यह समय आपको सावधान रहना होगा और कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ये आपकी राशि के ऑफिशियल चैनल है, तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। दोस्तों, कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। जब आप माफ करते हैं तब आप भूत को नहीं बदलते, लेकिन आप निश्चित रूप से भविष्य को बदल देते हैं। अपने दुश्मनों को क्षमा कर दीजिए, पर कभी उनके नाम मत भूलिए। दोस्तों, क्षमा एक ऐसा उपहार है जो हम स्वयं को देते हैं। क्षमा प्रेम का अंतिम रूप है। दोस्तों, एक दोस्त को क्षमा करने की अपेक्षा एक दुश्मन को क्षमा करना आसान है। कोई वहां तक माफ करता है जहां तक वो प्यार करता है। दोस्तों, बदला लेने के बाद दुश्मन को क्षमा कर देना बहुत ही आसान होता है। दोस्तों, वो जो दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता, वो उस पुल को तोड़ देता है जिसे उसे पार करना था, क्योंकि हर व्यक्ति को क्षमा पाने की आवश्यकता भी होती है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दैनिक राशिफल। दोस्तों, यश में आप आराम तथा परिवार के साथ समय व्यतीत करने के मूड में रहेंगे। किसी लाभदायक महत्वपूर्ण सूचना के मिलने से आपके मन में प्रसन्नता भरा माहौल रहेगा। दोस्तों, यश में ग्रह गोचर की स्थिति आपके पक्ष में रहेगा। साथ ही दोस्तों, घर के बदलाव संबंधी कोई योजना भी यश में आप बना सकते हैं। धर्म कर्म और अध्यात्म में आपका विश्वास बना रहेगा। इसके उपरांत ही दोस्तों, यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों, किसी नजदीकी व्यक्ति से बात बात होने की आशंका लग रही है। हालांकि आप अपने उचित व्यवहार द्वारा परिस्थिति को संभाल लेंगे। विद्यार्थियों का ध्यान जो है पढ़ाई से भटक सकता है, इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों के साथ घूमने फिरने में आपको समय व्यर्थ ना करना चाहिए। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को लेकर इसमें आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। दोस्तों, यश में आपको अपने अंदर की सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। हालांकि दोस्तों, परिस्थिति आपके खिलाफ होने के कारण व्यक्तिगत रूप से नकारात्मक बातों का असर जो है आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। लोगों के प्रति बढ़ती बदले की भावनाओं को मिटाने की यश में कोशिश करें, इनसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों में यश में आपको परिवर्तन करने की जरूरत होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए जुम्मन होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों, आपका प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों को भी आपकी तरफ आकर्षित करेगा। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से जो है आपको इसमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, सुकून और आराम पाने की चाह में कुछ समय मनोरंजन संबंधी कार्यों में भी व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। परंतु दोस्तों, यश में कोई भी महत्वपूर्ण योजना बनाने से परहेज आपको करना चाहिए। मन में कुछ चंचलता जैसी स्थिति भी रह सकती है। दोस्तों, आपके अंदर जो है कुछ ईगो की भावना जैसी उपज सकती है, और दोस्तों, अगर आप ऐसे भावनाओं को करेंगे तो आपके कार्य में नुकसान हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इन सभी से आपको बचना चाहिए। अगर इसे सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों, आपको उचित परिणाम यश में मिलने वाले हैं। और दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि जिन बातों का डर आपको सता रहा था, दोस्तों उनको मिटाने का मार्ग आपको यश में प्राप्त होगा। दोस्तों, पैसे से संबंधित निर्णय लेते समय हड़बड़ी न करें। लोगों को परखने में गलती होने की भी वजह से आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इस बात का ध्यान में और जल्दबाजी में आप कार्यों को यश में ना करें। साथ ही दोस्तों, यश में आपको बता दें कि मिले विषय को याद रखकर आपको यश में बढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यश में आपके जो भी गलती होंगे उनसे आप कुछ ना कुछ यश में सीख ही पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आप रिश्ते होंगे, आपको बता दें कि आपका अपने काम के प्रति पूर्ण समर्पण आपके कई कार्यों को हल करने में भी सक्षम करेगा। इसके उपरांत दोस्तों, किसी समाज सेवी संस्था में आपके विशेष योगदान व फिर निष्ठा की वजह से आपको इसमें मान सम्मान और यश में भी वृद्धि होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में युवा वर्ग तथा विद्यार्थियों को विशेष कार्य की सफलता मिल सकती है। जो भी आप यश में विशेष कार्यों को कर रहे हैं, यश में उनमें आपको कामयाबी हासिल होगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि इमोशनल होने के बजाय यश में आपको प्रेटिला सोच रखकर लाभदायक स्थितियों का आनंद लेना चाहिए, ये आपके लिए लाभदायक रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, अगर किसी प्रकार के परिवर्तन संबंधी कोई योजना बन रही है तो दोस्तों, यश में उस पर महत्वपूर्ण बातचीत संभव होगा।
घर में बच्चों के पढ़ाई के प्रति आपको आकर्षित रहना और फिर अनुशासित रहना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि अस्वस्थता की वजह से कुछ काम भी यश में रुक सकते हैं, तो दोस्तों यश में लापरवाही ना बरतें, स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति भी कभी कभी रहेगी। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए शांत चित्त रहकर आपको अवलोकन करना चाहिए कार्यों को, और दोस्तों अपनी ऊर्जा को आपको इसमें सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे बेहतर होगा। और अगर आप इनमें इस्तेमाल कर लिए तो इस पूरे समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इस उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काम में अधिक व्यस्त रहने की वजह से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। फिलहाल दोस्तों परिस्थिति आपके पक्ष में ही रहेगी, लेकिन अधिक मेहनत करने की आपको आवश्यकता इसमें होने वाली है। पैसे आसानी से कमाए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों मिले हुए अवसर का पूरा इसमें आपको फायदा उठाना चाहिए, आलस्य से इसमें आपको दूर रहना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के सहयोग से आपका रुका हुआ काम भी बन सकता है, इसलिए प्रयासरत समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, इसमें प्रयास करते रहें। दोस्तों कार्य क्षेत्र में अस्त व्यस्त गतिविधियाँ जो व्यवस्थित होना शुरू हो जाएंगी, परंतु कोई भी कार्य शुरू करना आपके लिए पहले उनकी रूपरेखा अवश्य बना लें, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसायिक स्थल पर अपने कार्यों तथा योजनाओं को किसी के समक्ष शेयर ना करें, क्योंकि दोस्तों दूसरों का हस्तक्षेप आपके बनते कार्यों में कुछ रुकावट भी डाल सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आय के साधन इसमें बढ़ेंगे, कोई भी रिस्क लेने से आपको इसमें परहेज करना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, बता दें कि कार्य क्षेत्र में काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे, कोई बड़ा ऑर्डर भी यश में आपको मिलने की संभावना बन रही है। दोस्तों ये जो समय है आपके लिए मार्केटिंग संबंधी अपने सूत्रों को और अधिक बढ़ाएं, कार्य संबंधी कुछ परिवर्तन भी होने वाले हैं, इनका योग यश में बन रहा है, परंतु दोस्तों कोई भी फैसला लेते समय आपको सोच समझ कर उस पर विचार करना चाहिए, ये आपके लिए यश में बेहतर रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों युवा वर्ग को किसी काम से संबंधित पहली पेमेंट आने से आपको प्रसन्नता प्राप्त रहेगी, और व्यवसायिक गतिविधियां अभी धीमी तो रहेंगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि पेमेंट आदि आने से आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर बनेगी और आप यश में पूरा गदगद भी रहने वाले हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने काम में किसी प्रकार की बदलाव होने से तनाव भी रह सकता है, लेकिन दोस्तों आप काम को करते रहें, आपको आगे चलकर इससे फायदे होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए सुनूंगी, आपको बता दें कि दोस्तों यश में पति पत्नी का जो है एक दूसरे के प्रति सहयोग यात्मक रवैया घर के सुख शांति बनाकर रखने में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि संतान की कोई परेशानी आपको व्यथित रह सकती है, इसलिए दोस्तों यश में आपको संतान से लेकर सावधान रहना चाहिए, उनकी हर एक बातों पर आपको कड़ी नजर रखना चाहिए, ये आपके लिए यश में बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि प्रेम संबंधों में और अधिक नजदीकियां यश में आने वाली है, पति पत्नी में किसी समस्या को लेकर नोकझोंक भी थोड़ी थोड़ी कभी कभी रहेंगी, परंतु दोस्तों आपको बता दें कि आप समझदारी के साथ परिस्थितियों को भी इसमें संभालेंगे। दोस्तों आपको बता दें यश में आपके लिए कैसे रहेंगे, दोस्तों आपके लव लाइफ के लिए कैसे रहेंगे, दोस्तों अपनी योजनाओं और कार्य की जीवन साथी की सलाह इसमें आप जरूर लें। दोस्तों आपको बता दें कि आपके लिए ये जो सलाह है जीवन साथी की फायदेमंद साबित होंगे, तो दोस्तों कोई भी कार्य को करें इनकी आप सलाह जरूर लें, तथा परेशानियों को हल करने में भी ये आपको सहायता करने वाले, तो दोस्तों यश में आपको इन बातों पर गौर करना चाहिए और कोई भी कार्य करने से पहले अपने जीवन साथी का यश में आपको सलाह ले लेना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में अपने खान पान को सीमित रखें, बदहजमी की वजह से लीवर संबंधी दिक्कत आ सकती है, तो दोस्तों यश में आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए यश में नुकसान का कारण बन सकता है, तो दोस्तों बिल्कुल भी लापरवाह यश में ना बने। साथ ही ब्लड प्रेशर तथा मधुमेह संबंधी जिसको भी परेशानी है वह यश में लापरवाही बिल्कुल ना बरते, ये आपके लिए बहुत ही गंभीर साबित होंगे। अपनी नियमित जाँच यश में आप अवश्य करवा लें, ये आपके लिए यश में बेहतर रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों अंत में आपके स्वास्थ्य के लिए क्या समय रहेंगे, आपको बता दें कि दोस्तों भरपूर नींद ना लेने की वजह से आपको थकान भी रहेगी, किसी पारिवारिक वरिष्ठ व्यक्ति की स्वास्थ्य को लेकर इसमें आपको चिंता सता सकती है, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर सावधान रहें और कार्य करते समय अपने स्वास्थ्य का भी इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहें, ये सभी चीज़ आपके लिए बेहतर होंगे। आपका भाग्यशाली रंग रहेगा लाल और भाग्यशाली अंक रहेगा 3।